हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, द सेल्फिश जायंट. जायंट मींस दानव, अ वेरी ह्यूज पर्सन मींस बहुत चौड़ा लंबा तंबा जो इंसान होता है उसको बोलते हैं जायंट. दिस स्टोरी इज अबाउट अ ब्यूटिफुल गार्डन एंड अबाउट ए सेल्फिश जायंट एंड हाउ हिज हार्ट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम rudeness and harshness to kindness. We will see through this story. It is very an inspiring story which is written by Oscar Wilde. Oscar Wilde is a very famous writer of English literature and has written many novels and stories related to children. So let's get into the reading. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. Har dopahar ke time pe जब बच्चे स्कूल ख़त्म हो जाता था तो वो उस जायंट के गार्डन में आते थे. जायंट्स मींस दानव, और उसका एक गार्डन था बहुत ही बड़ा, वहीं पे वो खेलने के लिए हर दोपहर को स्कूल ख़त्म होने के बाद आते थे. इट वॉज़ ए लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज डैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इन टू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट. तो वो जो गार्डन था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, ब्यूटीफुल था. उसमें बहुत सारी ग्रीन ग्रासेस थी, हर जगह पे उन घासों पे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, बिखरे हुए थे जिस तरह से स्काई में आप स्टार्स देखते हो उसी तरह से. और वहाँ पे 12 पीच ट्रीज भी थे. पीच मींस अड़ू, सतालू आपने सुना होगा, उस फ्रूट का नेम है. तो उसके पेड़ भी थे जो कि स्प्रिंग टाइम में बहुत ही डेलिकेट ब्लॉसम्स में, जैसे उन पे पिंक कलर और पर्ल कलर के फूल खिलते थे. स्प्रिंग टाइम मीन्स बसंत ऋतु, जिसमें बहार आती है ऐसा बोलते हैं. वो सीज़न इंडिया में तो बहुत पर्टिकुलरली नहीं होता है बहुत टाइम के लिए, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इंग्लैंड में ये सीज़न होता है स्प्रिंग सीज़न, जिसमें कि वेदर जो होता है वो बहुत ही प्लेजेंट होता है, सुहाना मौसम होता है उस वक्त. फूल खिलते हैं, बर्ड्स चर्प करती हैं. सो इसी तरह से स्प्रिंग टाइम पे वहाँ पे वो जो पीच ट्रीज थे उनमें ब्लॉसम्स होता है, फूल खिलते हैं. और ऑटम के टाइम पे वो बहुत ही अच्छे फ्रूट भी उनमें निकलते हैं. द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली डैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम. और वहाँ पे बर्ड्स आती हैं, वो लोग भी अपनी मीठी सी आवाज़ में गीत गाती हैं, और जो बच्चे वहाँ पर आते हैं उस गार्डन में खेलने के लिए वो अपना गेम को रोक के उसको अच्छे से सुनते हैं. हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राइड टू ईच अदर, और ये बोलते हैं कि हम कितने खुश हैं यहाँ पे, और सारे एक साथ वो खुशी खुशी ये बात बोलते हैं. वन डे द जायंट केम बैक, ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑगर एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. एक दिन क्या होता है, वो जो जायंट होता है जिसका ये गार्डन होता है वो वापस आ जाता है. वो इतने दिनों तक कहाँ था, वो इतने दिनों तक अपनी एक फ्रेंड के पास था जिसका नाम था कॉर्निश ओगर. कॉर्निश ओगर एक जायंट का नेम है, और ये फेरी टेल्स में इसको ऐसा जायंट माना गया है जो लोगों को खाता था, विच मीन्स वो अच्छा जायंट नहीं था. और उसी से मिलने के लिए ये जायंट गया हुआ था और 7 सालों तक उसी के साथ था. अब वो वापस आया अपने गार्डन को देखने के लिए. व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. जैसे ही वापस आता है वो देखता है कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे होते हैं. व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही क्राइड इन ए वेरी ग्रफ वॉइस. ग्रफ मींस वेरी रफ वॉइस. एंड द चिल्ड्रन रैन अवे. और बहुत ही गुस्से में वो कहता है, बहुत ही ख़राब आवाज़ में वो कहता है बच्चों को डांटते हुए कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो. और जैसे ही उस बच्चे उसको सुनते हैं वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं. ओके, सी इन दिस पिक्चर. My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall around it and put up a notice board. तो वहाँ वो बहुत ही गुस्से में बोलता है कि मेरा बगीचा सिर्फ मेरा बगीचा है, और इसमें कोई और नहीं खेल सकता मेरी परमिशन के बिना, सिर्फ मैं इसमें रह सकता हूँ और प्ले कर सकता हूँ. तो वहाँ पे वो एक बहुत लंबी सी दीवार उठा देता है उसमें, और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा देता है जिस पे लिखा हुआ होता है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. ट्रेसपासर्स मींस घुसपैठिए, वो लोग जो बिना एंट्री के आ जाते हैं. तो प्रोसिक्यूटेड मींस जिसको पनिश किया जाए, मींस पनिशमेंट देना. तो विच मीन्स ये नोटिस का मतलब था कि अगर कोई भी उसमें एंट्री करेगा बिना परमिशन के तो उसको पनिश किया जाएगा. ही वॉज़ ए वेरी सेल्फिश जायंट. तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलबी जायंट था.
सेल्फिश मीन्स मतलबी, या जो सिर्फ अपने बारे में सोचे उसको सेल्फिश बोलते हैं, ठीक है। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट। अब वो बेचारे बच्चों के पास कोई जगह नहीं थी कि वो जहाँ खेल सके, उन्होंने थोड़ी देर रोड पर खेल के देखा लेकिन वो रोड बहुत डस्टी थी, वहाँ पर बहुत धूल और कण थे, बहुत ज़्यादा पत्थर थे, तो वो उनको अच्छा नहीं लगा वहाँ पे खेल के। दे यूज टू वैंडर राउंड दी हाई वॉल्स वेन दे लेसन्स ओवर वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इनसाइड, हाई हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सेड टू ईच अदर। और स्कूल ख़त्म होने के बाद वो भटकते रहते थे उन्हीं लंबी दीवारों के पास से, और ये बोलते थे एक दूसरे से कि हम लोग इस गार्डन में जब खेलते थे तो कितने खुश थे, तो ये सारे वो लोग एक दूसरे से इस बारे में बात करते हैं। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। तो इस तरह से टाइम पास होता गया और फिर स्प्रिंग सीजन का मौसम आ गया, उस वक्त बहार आ गई और उस वक्त पूरे कंट्री में, पूरे देश में हर जगह फूल खिलने लगे, छोटी छोटी बर्ड्स सिंग करने लगी हर एक ब्रांचेस पे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन उस सेल्फिश जायंट के गार्डन में अभी भी सर्दियाँ थी। सर्दियाँ जब होती हैं तो क्या होता है कि सब कुछ बिल्कुल ठहर सा जाता है, वहाँ पे कुछ खिलता नहीं है, कोई ब्लॉसम्स नहीं होती है, और सर्दियों की वजह से कोई लिटिल बर्ड्स भी नहीं आती हैं। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। तो वहाँ पे अब चिड़िया नहीं आती क्योंकि अब बच्चे वहाँ खेलते भी नहीं हैं और ना ही फूल खिलते हैं उन पेड़ों पे। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास बट इट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट इज स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। ऑस्कर वाइल्ड ने अपनी स्टोरीज में जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को पर्सोनिफाइड किया, पर्सोनिफाइड मीन्स मानवीकरण, विच मीन्स ऐसी चीज़ें जैसे कि फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं, या कोई भी ब्रांच है या हवा है, इन सारी चीज़ों को एज ए ह्यूमन बींग ट्रीट किया है, विच मीन्स वो एक इंसानों की तरह बातें करते हैं या हरकतें करते हैं। तो इस तरह से इसमें बोला गया स्टोरी में कि एक बार क्या हुआ कि बहुत ही एक ब्यूटीफुल फ्लावर अपने घास में से अपने सर को बाहर निकालता है और फिर वो जब एक नोटिस बोर्ड देखता है जो सेल्फिश जायंट ने लगाई हुई थी वहाँ पे, तो वो देखता है और फिर उसके बाद देखता है कि कोई बच्चे वहाँ पे खेलने नहीं आए हुए हैं, तो इस तरह से वो अपने हेड को, अपने सर को वापस से अंदर रख लेता है और दोबारा से सोने के लिए चला जाता है। द ओनली पीपल हु वर प्लेस्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। तो जो दो लोग जो सबसे ज़्यादा खुश थे वो थे स्नो और फ्रॉस्ट। स्नो मीन्स जो बर्फ होती है उसको स्नो कहते हैं, फ्रॉस्ट मीन्स आपने देखा होगा कोहरा, जो नमी होती है सर्दियों के टाइम पे वही। तो क्योंकि इसको एज ए ह्यूमन बींग ट्रीट किया है तो इसलिए बोला गया है कि यही दो लोग थे जो सबसे ज़्यादा खुश थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन दे क्राइड सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड। तो वो आपस में क्या बातें करते हैं कि बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन को भी यहाँ पे पर्सोनिफाइड कर दिया गया है, तो इसलिए वो उनके बारे में बात करते हैं कि बाहर तो यहाँ आएगी नहीं, लगता है वो ये गार्डन भूल चुकी है, तो अब हम लोग यहाँ पे पूरे साल इसी तरह से ठंड में यहीं रहेंगे, विच मीन्स विंटर सीजन वहाँ पे बरकरार रहेगा। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, क्लॉक हेयर मीन्स क्विल्ट जैसे रजाई होती है उसी तरह से यूज़ किया है इसका, एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि स्नो जो होती है वहाँ की सारी घासों पे, आपने देखा होगा विंटर सीजन में क्या होता है जब बर्फ़ गिरती है तो सब तरफ ऐसा लगता है कि सफ़ेद चादर किसी ने उड़ा दी है, तो इसी तरह से उन पूरी घास पे, ग्राउंड पे स्नो की वजह से एक सफ़ेद चादर, एक सफ़ेद रजाई की तरह लग रहा था, और फ्रॉस्ट जो थी उसने सारे ट्रीज़ को सिल्वर कलर से ऐसा लग रहा था पेंट कर दिया है, मीन्स इतना ज़्यादा वहाँ पे बर्फ था, हर तरफ कोहरा और बर्फ था, बिल्कुल जमा हुआ सीन लग रहा था। Then they invited the north wind to stay with them. North wind क्या होती है, जो उत्तर दिशा से चलती है, वो north wind बहुत ठंडी होती है, cold होती है, तो उन्होंने फिर north wind को भी अपने पास invite कर लिया और वो वहाँ पर आ जाती है वो हवा। He was wrapped in furs and he rode all day about the garden. तो इस तरह से वो garden में वहाँ पर बहना शुरू कर देती है और and blew the chimney pots down. This is a delightful spot, he said. We must ask Hail on a visit. So the Hail came every day for 3 hours. He rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice.
तो वो जो नॉर्थ विंड होता है वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी जगह है बहने के लिए, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हेल को भी बुला लेना चाहिए यहाँ पे। हेल मीन्स जो ओले पड़ते हैं, जो बर्फबारी होती है उसको बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हेल को भी वहाँ पे बुला लेते हैं, और जब हेल वहाँ पे करीब 3 घंटे रोज़ आके वहाँ पे वो ओले गिरते हैं, और फिर उसके बाद वो कासल के ऊपर और वहाँ ग्रीन ग्रास के ऊपर इस तरह से उसकी बारिश होती है और ओले गिरते हैं। और उसको यहाँ पे ड्रेस्ड इन ए ग्रे, उस ग्रे कलर आपने देखा होगा, वो जो बर्फ़ होती है, आइस जो होती है, उसका कलर ग्रे होता है। तो इस तरीके से उसको पर्सोनिफाइड किया गया यहाँ पे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट एज ही सैट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। तो उसके बाद अपने गार्डन को देखता रहता है वो जो सेल्फिश जायंट होता है, अपनी विंडो से, अपनी खिड़की से। और क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, कोई रौनक नहीं होती है, कुछ अच्छी सीन उसको नहीं नज़र आती है। तो वो कहता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इस बार जो वसंत ऋतु है, जो स्प्रिंग सीज़न है, वो आने में इतनी देर क्यों लगा रही है। आई होप देर विल बी चेंज इन द वेदर, और वो आशा करता है कि वो आगे के टाइम पे मीन्स जल्दी मौसम बदल जाएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट दिस समर, द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन। लेकिन स्प्रिंग तो कभी नहीं आई और ना ही समर आया, बल्कि जब ऑटम सीजन आया, जब पतझड़ का मौसम आया, तो बाकी के गार्डन्स में तो उसने गोल्डन फ्रूट मीन्स फ्रूट तो सब जगह खिल गए, लेकिन जो सेल्फिश जायंट का गार्डन था वहाँ पर कुछ भी नहीं, कुछ भी ना ही कोई फूल खिला, ना ही कोई फ्रूट निकला पेड़ पे। ही इज़ टू सेल्फिश शी सेड, सो इट ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। तो क्योंकि वो बहुत सेल्फिश था, इसलिए स्प्रिंग सीजन ने कह दिया कि उसका जो ओनर है, मीन्स उस गार्डन का जो ओनर है, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, जायंट जो है वो बहुत सेल्फिश है, इस वजह से वहाँ पे अब हमेशा विंटर ही रहेगी। और इस तरीके से वहाँ पे सर्दियाँ कायम रहती हैं, और जो नॉर्थ विंड होता है, जो हेल होता है, जो फ्रॉस्ट होता है, स्नो, ये सारे मिल के वहाँ पे चेयर करते हुए डांस करते हैं ट्री के साथ। ठीक है, तो इन सबको एज ए ह्यूमन बींग पोर्ट्रे किया गया है यहाँ पे। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. एक सुबह क्या होता है कि giant वहीं पे अपनी बेड पे लेटा हुआ रहता है, तो उसको थोड़ी बहुत ही प्यारी आवाज़ सुनाई देती है म्यूज़िक की, और उसको ऐसा लगता है कि ये ज़रूर किसी राजा के म्यूजिशियन है जो यहाँ से गुजर रहा है, उसी की आवाज़ है। It was really only little linnet singing outside his window. लिनेट एक बर्ड का नेम है जो कि स्मॉल बर्ड होती है, ब्राउनिश, और जो यूरोप में पाई जाती है। तो जब उसकी जो आवाज़ थी, जो उसको सुनाई पड़ रही थी, वो इसी लिनेट की आवाज़ थी, इसी बर्ड की आवाज़ थी, और वो उसके गार्डन पे उसके विंडो के बाहर बैठ के सिंग कर रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन डैट इट सीम्स टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड। क्योंकि उसको इतना टाइम हो चुका था कोई भी अच्छी म्यूज़िक सुने हुए, मीन्स क्योंकि स्प्रिंग सीजन आया नहीं था, तो कोई पक्षी या कोई भी बर्ड्स चर्प नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से उसको बहुत टाइम हो गया था ऐसी कोई म्यूज़िकल आवाज़ सुने उसको। तो इस वजह से उसको ऐसा लगा कि ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल म्यूज़िक है। देन ही हेल्ड स्टॉप्ड देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। तो फिर क्या होता है, अचानक से ओले गिरना बंद हो जाते हैं उसके सर पे, जो और जो ठंडी हवा चल रही होती है वो भी दहाड़ना बंद कर देती है। दहाड़ना मीन्स बहुत जो तेज़ चलती है हवा, तो वो रुक जाती है, और इस तरह से उसको एयर में एक परफ्यूम जैसी खुशबू महसूस होती, फील होती है, जो कि उसको दूर से आ रही होती है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, तो उसको ये समझ में आ जाता है, रियलाइज़ हो जाता है कि लगता है कि बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन आ चुका है, बाहर आ चुकी है। सेट द जायंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और जल्दी से वो खुशी के मारे अपने बेड से कूद करके बाहर आ जाता है देखने के लिए। ही सॉ मोस्ट वंडरफुल साइट थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। उसने एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा वहाँ पे देखा कि वो जो दीवार बनाया था उसने वहाँ पे एक छोटा सा छेद कर दिया है, और उसी में से बच्चे निकल निकल के आ रहे होते हैं किसी तरह से, और सारे ब्रांचेस के पास वो बैठे हुए हैं, वहीं पे खेल रहे हैं। इन एवरी ट्री डैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स एंड वर हैविंग देयर आर्म्स
जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड. तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इसी तरह का नज़ारा उसने देखा कि हर जगह पे, हर ब्रांचेस पे कोई ना कोई छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और फूल खिले हुए हैं चारों तरफ, खुशी मनाई जा रही है. जो ट्रीज़ हैं वो भी खुश हैं और अपने ब्रांचेस को आर्म्स की तरह फैलाए हुए हैं और सारे बच्चों को उसमें बैठाए हुए हैं. The birds were flying about and twittering with delight and the flowers were looking up through the green grass and laughing. तो इस तरीके से जितने भी नेचर से स्टफ थे एज लाइक फ्लावर्स, ब्रांचेस, ट्रीज, वो सारे खुश थे, ग्रीन ग्रास, वो सारे हंस रहे थे. इट वॉज़ अ लवली सीन, ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. तो वो जो सीन था वो बहुत ही लवली था, लेकिन एक कोने पर अभी भी वहाँ पर विंटर ही था. इट वॉज़ द फादेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. ये बहुत दूरी पे गार्डन पे एक कोना था जहाँ पे अभी भी विंटर था और वहीं पे एक छोटा बच्चा खड़ा था. ही वॉज सो स्मॉल डैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड ही वॉज वैंडरिंग ऑल राउंड इट. वो इतना छोटा था कि वहाँ पर जो पेड़ था वो उसकी ब्रांचेस पे, उसकी शाखाओं पे चढ़ नहीं पा रहा था और इस तरह से वो आगे पीछे ही वो ट्री के भटक रहा था, क्राइंग बिटरली और रोए जा रहा था. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोनिंग अबाउट इट. Climbed up little boy said the tree and it bent its branches down as low as it could but the boy was too tiny. Tiny means small. तो क्योंकि वहाँ पे विंटर था उस कोने में, तो जो नॉर्थ विंड था वहाँ पे बहुत तेज़ी से ठंडी हवा चल रही थी और वहाँ पे बर्फ़ गिरा हुआ था. जो वहाँ पे पेड़ था उसने अपनी ब्रांचेस को नीचे झुकाते हुए उससे कहा भी, उस छोटे बच्चे से, कि जल्दी से इस बच्चे इस पे चढ़ जाओ आप. लेकिन क्योंकि वो बच्चा हाइट में बहुत ही छोटा था तो उस पर नहीं चढ़ पाया, बहुत ही स्मॉल था वो. एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन ही सेड, नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. तो ये साइट देखते ही जायंट्स के दिल में क्या हो गया, एक फीलिंग, वो रियलाइजेशन हुआ और उसका हार्ट मेल्ट हो गया. हार्ट मेल्ट मींस दिल पिघल जाना, मींस काइंडनेस आ जाना आपके दिल में. तो वो सोचता है अपने मन में कि मैं कितना ज़्यादा मतलबी था अब तक, कितना ज़्यादा सेल्फिश था और इसी वजह से मेरे गार्डन में अब तक बाहर नहीं आई थी, स्प्रिंग सीजन नहीं आया था. आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन दी वॉल and my garden shall be the children's playground for ever and ever. He was really very sorry for what he had done. तो उसने कहा कि मैं बच्चे को जो ट्री है उसके टॉप पे पहुंचा दूंगा और फिर ये जो दीवार उसको भी गिरा दूंगा, इस तरह से मेरा जो गार्डन है उसमें बच्चे फिर से खेलना शुरू कर देंगे और इस तरीके से दोबारा कभी इसमें विंटर नहीं आएगी, हमेशा इसमें बाहर ही बाहर रहेगी. और वो बहुत सॉरी फील करता है कि उसने जो भी किया अब तक उस पर उसको पछतावा था. ही वॉज रिपेंटिंग whatever he has done before. So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. तो जल्दी से वो नीचे से सीढ़ियाँ उतर के आता है और धीरे से दरवाज़ा खोलता है, बाहर निकलता है गार्डन पे. But when the children saw him they were so frightened that they all ran away. Frightened means to get scared, डर जाना. And the garden became winter again. तो जैसे ही वो giant नीचे आता है सारे बच्चे उसको देख के डर जाते हैं क्योंकि पहले वो बहुत selfish था, डांटता था इस वजह से. और जैसे ही बच्चे वहाँ से जाते हैं उसका जो गार्डन होता है वो दोबारा से वहाँ पे सर्दियाँ आ जाती हैं, फिर से सुनसान लगने लगता है. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग. तो वो जो छोटा बच्चा होता है सिर्फ वो वहाँ से दौड़कर नहीं भागता है, उसकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल फुल ऑफ टीयर्स मीन्स आंसुओं से भरी थी क्योंकि और इस वजह से उसने जायंट को आते हुए नहीं देखा. एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टूक हिम जेंटली इन हिज हैंड एंड पुट हिम इन टू द ट्री. जायंट वहाँ पहुँचता है, उस छोटे बच्चे को अपने हाथों से अपनी गोद में उठा लेता है और फिर पेड़ के ऊपर रख देता है. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट. जैसे उस बच्चे को उस पर चढ़ाता है जायंट, वैसे ही उस पेड़ में दोबारा से सारे फ्लावर्स खिल जाते हैं, ब्लॉसम वहाँ पे आ जाता है और सारी इस तरह से बर्ड्स भी वापस आ जाते हैं और वो लोग चर्चराना करना, सॉन्ग गुनगुनाना स्टार्ट कर देते हैं. And the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. और वो जो छोटा बच्चा है वो खुश होकर अपनी दोनों आर्म्स को, बाहों को फैला के उसके गर्दन से झूल जाता है उस जायंट के और उसको किस करता है. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, wicked means बुरा, came running
बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग। और जैसे ही बच्चों को ये एहसास होता है कि जायंट है जो है अब वो बुरा नहीं है, विकेट नहीं रह गया, अच्छा हो चुका है वो और वो काइंड हो चुका है, तो वैसे ही दौड़ के वो वापस आ जाते हैं गार्डन में, और उनके साथ साथ बाहर भी आ जाती है, मीन्स स्प्रिंग भी आ जाती है। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट एंड ही टू के ग्रेट एग्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल। और वो जायंट इस वक्त क्या कहता है उन बच्चों से कि बच्चों ये तुम्हारा गार्डन है, तुम्हारा बगीचा है, और एक कुल्हाड़ी उठाता है बहुत बड़ी सी और उस वॉल को जो उसने बनाई थी उसको गिरा देता है मार के। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। और जब वहाँ पर क्योंकि वो दीवार गिरा देता है तो लोगों की नज़र उस पर पड़ने लगती है उस गार्डन पर, तो 12 बजे तक जब सब लोग मार्केट करने के लिए निकलते तो वो देखते हैं कि एक जायंट जो है वो बच्चों के साथ उस ब्यूटीफुल गार्डन में किस तरह से खेल रहा होता है। ऑल द लॉन्ग दे प्लेड एंड इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय। सारे दिन वो खेलते थे और फिर शाम के टाइम वो उस जायंट के पास आते थे उसको गुड बाय बोल के जाने के लिए। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन ही सेड द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। लेकिन जायंट उन बच्चों से पूछता है कि तुम्हारा कंपेनियन कहाँ है, मीन्स वो जो छोटा बच्चा जिसको मैंने ट्री पे चढ़ाया था वो कहाँ है, क्योंकि अभी तक वो मुझे दिखा नहीं दोबारा, और क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा वो प्यार करता है क्योंकि उसने उसको किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन ही हैज़ गॉन अवे। तो बच्चे उससे कहते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, वो जा चुका है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेट द जायंट। बट द चिल्ड्रन सेट दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड। तो वो जायंट उससे कहता है कि कल उसको आने के लिए ज़रूर से बोल देना। इस पर बच्चे उससे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ रहता था क्योंकि उसके पहले उन्होंने कभी उसको देखा नहीं था, और इस बात से जायंट को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, बट द लिटिल बॉय हुम द जायंट लव्ड हैड वॉज नेवर सीन अगेन। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज्ड टू से। हर दोपहर में जब बच्चों का स्कूल ख़त्म हो जाता था तो वो लोग उसी जायंट के पास उसके साथ खेलने के लिए आते थे, लेकिन जिस बच्चे का इंतज़ार उस जायंट को था वो वापस दोबारा उसको कभी नहीं दिखा। और इस वक्त जायंट क्या था, अब तो बहुत दयालु हो चुका था, वो बहुत ही काइंड था, बच्चों के साथ खेलता था, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा एक लॉन्गिंग थी उससे मिलने की, उस बच्चे को दोबारा देखने की जिसे उसने पेड़ पे चढ़ाया था और जिसने उसको किस किया था। तो वो अपने आप में ही सोचता था कि उसको दोबारा वो कैसे देख पाएगा। Years went by and the giant वो grew very old and feeble. Feeble means weak, कमज़ोर हो जाना। He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. इसी तरह से साल बीतते गए और अब जो जायंट था वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था, तो अब वो खेल नहीं सकता था बच्चों के साथ, इसलिए वो एक आराम जो आर्मचेयर होती थी उस पर आराम करता था, बड़ी सी चेयर थी उस पर बैठ के, और बच्चों को देखता था जब वो उसके गार्डन में खेल रहे होते हैं गेम्स। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। वो कहता था कि उसके गार्डन में बहुत सारे सुंदर फ्लावर्स हैं लेकिन बच्चे उसके सबसे ज़्यादा, मीन्स मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स उसके लिए वो बच्चे थे। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ फॉर ही न्यू डैट इट वॉज मेरली द स्प्रिंग अस्लीप एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग। तो एक विंटर मॉर्निंग में वो जब अपनी विंडो के बाहर से देखता है ड्रेसिंग होते हुए, तो उस वक्त विंटर आ चुकी होती है, लेकिन अब वो विंटर से हेट नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त जो स्प्रिंग है वो सो रही होगी और जो फ्लावर्स है वो थोड़ा रेस्ट कर रहे होंगे। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड एंड लुक्ड, इट सर्टेनली वॉज ए मार्वलस साइट। इन द फारथेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली व्हाइट ब्लॉसम्स, इट ब्रांचेस वर गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम एंड दी अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड। जब वो अपनी आंखें रब करते हुए बाहर देखता है तो उसको बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, और वो देखता है कि दूर उसके गार्डन में एक ट्री है जो कि पूरे वाइट फ्लावर्स से भरी हुई है, मीन्स उस पर छोटे छोटे बहुत सारे सफ़ेद कलर के फ्लावर्स निकले हुए हैं, और उसकी जो ब्रांचेस है वो गोल्डन कलर की हैं, और उस पर जो फल लगे हुए हैं वो सिल्वर कलर के हैं, और उसी पेड़ के नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा है जिसका वो वेट कर रहा था, जिसको उसने प्यार किया था, पेड़ पर चढ़ाया था, तो उसका इंतज़ार अब खत्म हुआ। डाउन स्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन ही हैजन अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रीव रेड विद एंगर एंड ही सेड हु हैड डेयर टू वुंड दी।
तो जल्दी जल्दी वो सीढ़ियों से नीचे आता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है वो गार्डन में सारे जल्दी जल्दी बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ उस बच्चे के पास आता है। जब उसके पास पहुंचता है और फिर उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसको देख के कहता है, उसके हाथों पे चोट लगी हुई रहती है, तो उसी को देख के वो पूछता है कि किसकी हिम्मत हुई है कि जिसने तुम्हें चोट पहुँचाई है। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ द टू नेल्स एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट। तो वो देखता है कि उस छोटे बच्चे के दोनों हाथों में और दोनों पाँव में किसी नुकीली मीन्स जो किल होती है उसका प्रिंट था, उसका निशान था। तो वही देख के वो पूछता है कि आखिर उसको किसने चोट पहुंचाई, किसकी हिम्मत हुई। हु हैड डेयर टू वुंड दी, क्राइड द जायंट, टेल मी दैट आई मे टेक बिग सोर्ड एंड स्ले हिम। वो बोलता है जल्दी से मुझे बताओ कि किसने तुम्हें इस तरह से चोट पहुंचाई है, मैं अपनी बड़ी तलवार से उसको मार दूंगा। ने आंसर द चाइल्ड, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव। वो बच्चा कहता है कि नहीं, किसी ने नहीं बल्कि ये जो प्रेम के घाव हैं। हु आर दो, हु आर दो मीन्स हु आर यू, सेड द जैंट एंड ए स्ट्रेंज ऑफेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड। और बच्चा उसकी बात को, उसके जवाब को सुन के बहुत ही ज़्यादा अद्भुत उसको फील होता है, बहुत ही ज़्यादा वो स्पिरिचुअल हो जाता है उस वक्त, उसको समझ में आ जाता है, रियलाइज़ हो जाता है कि आखिर ये छोटा बच्चा कौन है। वो उससे पूछता भी है कि तुम कौन हो, और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि ये छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद जीसस क्राइस्ट है। आपने देखा होगा जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसीफाइड किया गया था, जब उनको सूली पर चढ़ाया गया था, तो उनके दोनों हाथों पे और उनके दोनों पाँव को किल से ठोक करके उनको चढ़ाया गया था। तो इस तरह से इसीलिए उसके उस बच्चे के हाथ और पाँव में वो उसी किल के निशान थे। और इस तरह से जैसे ही जायंट को ये रियलाइज़ होता है कि वो छोटा चाइल्ड खुद जीसस क्राइस्ट हैं, वो जल्दी से नील डाउन हो जाता है, मींस वो जल्दी से झुक जाता है उनके रिस्पेक्ट में। एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन टुडे, यू शैल कम विद मी टू माय गार्डन विच इज़ पैराडाइज। वो बच्चा उस जायंट से कहता है कि एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, आज तुम मेरे गार्डन में मेरे साथ चलोगे जो कि स्वर्ग में है, जो कि पैराडाइज है, जन्नत है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इनटू दैट In that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और जब उस दोपहर को बच्चे उस गार्डन में खेलने के लिए आते हैं, तो उस पेड़ के नीचे वो उस giant की dead body पाते हैं, which means giant वो एक्सपायर कर चुका होता है, वो मर चुका होता है, और उसकी डेड बॉडी पे बहुत सारे सफ़ेद फ्लावर्स बिखरे हुए होते हैं इस तरह से। तो विद दिस द स्टोरी एंड्स, एंड it's really an inspiring story, and it also suggests that giving happiness to others will make us feel happy in our life as well. So I hope you have understood the story. Now I'll see you next class. Thank you.